वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। अब हम इस वीडियो में जानेंगे आपके बचे हुए जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन केमिस्ट्री के। अब तक हमने एक से फोर्थ यूनिट तक, ठीक है, 1 to 4, ठीक है, फोर्थ यूनिट तक हमने जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको हमने पढ़ लिया है, ठीक है। लगभग 1 से आपके 45 के आसपास हैं, 40 to 45, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिट फिफ्थ से, ठीक है, फिफ्थ टू आपका ईयर, ठीक है, 5 से 8 यूनिट तक, ठीक है। इसमें जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके केमिस्ट्री के हैं और आपका केमिस्ट्री और आपका बीएससी का हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है, हम जानेंगे, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको और आपको साथ में आंसर देना है, ठीक है। पहले आंसर आप करेंगे, मैं आपको कुछ समय दूंगा, उसमें आप आंसर देखेंगे कि आपने कौन सा आंसर दिया है, क्या आपने जो आंसर दिया था वो सही है या गलत है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन BCC संरचना में क्रिस्टल नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जो आपका BCC संरचना में नहीं है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड, क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड और आपका क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। घनीय काय केंद्रित घन जिसे हम कहते हैं, यानी कि उसके केंद्र में होगा आइटम, कहाँ होगा, केंद्र में, ठीक है, इस तरह से काय केंद्र, ठीक है, उसके बॉडी में होगा। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है आपका नहीं है, ठीक है, संरचना में क्रिस्टल नहीं है, कौन सा, क्या BA वाला होता है आपका, CR होता है, PT होता है या B होता है, ठीक है, क्या है इनमें से आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट का आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिए फर्स्ट का, ठीक है। तो BCC संरचना में आपका कौन सा क्रिस्टल नहीं है, ठीक है, तो प्लेटिनम वाला, ठीक है, कौन सा, PT, प्लेटिनम वाला जो है आपका BCC संरचना में स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है, ठीक है। सेकंड, निम्न में किसकी HCP, ठीक है, संरचना नहीं है, ठीक है, क्या है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक संरचना किसकी नहीं है, ये आपको बताना है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ऐसी संरचना किसकी नहीं है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, मतलब कि उसमें क्या बन जाता है आपका, कुछ इस तरह से एक हेक्सेन टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी संरचना आपके इसमें से नहीं है वो आपको बताना है, क्या BE की नहीं है, MG की नहीं है, FE की नहीं है या MO की नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, आयरन और मोलिब्डेनम, इनमें से ऐसा कौन सा है जो HCP संरचना में नहीं रहता, ठीक है। तो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा आपका, आयरन, ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा, Fe, ठीक है, जो आपका HCP, ठीक है, HCP, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में नहीं रहता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कौन सा क्रिस्टल CCP संरचना में है, ठीक है, किसमें, CCP संरचना, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, घनीय बंद या निविड़ संकुलन, ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, CCP में, तो क्या AG आपका है, क्या आपका BC है या आपका, सॉरी BC नहीं होगा, यहाँ कुछ और होगा, BE होगा एंड आपका MO, ठीक है, BE लिख लो, यहाँ BC नहीं होता, ठीक है, तो AG, BE, MG और MO, ठीक है, इनमें से आपका CCP संरचना में है, तो कौन सा है, आंसर कीजिए, थर्ड का क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाले का आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, जो आपका AG होता है, ठीक है, क्या होता है, AG गोल्ड, वो आपका CCP संरचना में होता है, ठीक है, किसमें होता है, क्लोज्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है, किसमें होता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में आपका AG जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अक्रिस्टलीय ठोस है, कैसा, ऐसा ठोस जिसमें क्रिस्टल ना हो, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर कीजिए, अक्रिस्टलीय ठोस, फर्स्ट आपका दे रखा है NaCl, जो कि आपका कैसा होता है, NaCl अक्रिस्टलीय ठोस है कि नहीं है, आपका CaF2 है कि नहीं है, ग्लास है कि नहीं है, CaCl2 है कि नहीं है, इनमें से कोई एक ऐसा है जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए
नमक भी आपका कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस, कैल्शियम फ्लोराइड भी क्रिस्टलीय ठोस होता है, और सीजियम क्लोराइड ये सभी क्या है आपके लवण है। लेकिन ग्लास की हम बात करें तो ग्लास कैसा होता है आपका, अक्रिस्टलीय ठोस है, ठोस होता है, ठीक है। क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस, या इसे अमार्फस भी कहते हैं। फिफ्थ कह रहा है पायस का उदाहरण है, किसका पायस का उदाहरण है, कौन सा है, मिल्क है आपका, या बटर है आपका, या वार्निशिंग क्रीम है, या आपका ऑल ऑफ दीजिए, ठीक है, वार्निशिंग क्रीम, ठीक है, धोने वाली क्रीम, ठीक है, जिससे हम गाड़ी आड़ी को साफ करते हैं, इस ये क्रीम, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो आपका पायस का उदाहरण है, ठीक है, सभी हैं या इनमें से कोई एक है, ये आपको बताना है। तो आंसर कीजिए आपका पायस का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो पायस की अगर हम बात करें तो पायस का उदाहरण क्या है, सभी है, ठीक है, ऑल ऑफ दीजिए, ये सभी एक पायस के उदाहरण है, ठीक है। ये आपका एक ऐसा बिलयन होता है जिसमें आपके जो विलेय पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे कण मिले होते हैं वो बहुत छोटी मात्रा में होते हैं, ठीक है, उनका आकार बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका पायस। तो दूध भी आपका क्या है, एक पायस का उदाहरण, ठीक है, मक्खन भी क्या है, पायस है, और वार्निशिंग क्रीम भी क्या है आपका, एक पायस का उदाहरण है, ठीक है। सिक्स कह रहा है ब्रेग समीकरण है, ठीक है, क्या है, ब्रेग समीकरण, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप में भी हमने इसको पढ़ा था, ब्रेग समीकरण, क्या एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा होता है, या आपका लैम्डा बराबर n sin थीटा होता है, या एन लैम्डा बराबर d sin थीटा होता है, या लैम्डा बराबर 2d sin थीटा होता है। तो इनमें से कोई एक इक्वेशन ऐसी है जो ब्रेग नामक वैज्ञानिक ने दी थी, वो कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है, क्या एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, इसको हम ब्रैग समीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। कह रहा है 8:8 प्रकार का संकुलन किसमें पाया जाता है, ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें 8:8 का संकुलन पाया जाता है। NaCl है आपका, KCl है आपका, CaCl है, या MgF2 है, तो इनमें से कोई एक ऐसा है जिसमें आपका 8:8, यानी कि दोनों आपके जो एटम है, ठीक है, मान लो ये क्या है आपका एक्स और ये क्या है आपका वाई, ठीक है, तो दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है, क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है, इनमें से कोई एक ऐसा है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि अगर हम बात करें वाई की कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो 8 है, तो बाई क्या होगा, बाई अपने चारों तरफ 8x से जो है जुड़ा रहेगा, ठीक है, कितने से, 8x जो है टच में रहेगा, तो भाई क्या हो जाती है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इनमें, जिनमें आपका 8:8 प्रकार का संकुलन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आपका सीजियम क्लोराइड, ठीक है, CaCl2 क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका 8:8 का संकुलन पाया जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन दोनों का 8:8 होता है। ब्रेबेस, ठीक है, क्या है, ब्रेबेस जालक होते हैं, ठीक है, ब्रेबेस जालक होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं, या 12 होते हैं, या 6 होते हैं, या 14 होते हैं, ठीक है, तो ब्रेबेस जालक आपको याद रखना है, ये आपके कितने होते हैं, 14 टाइप के, ठीक है, कितने होते हैं आपके, 14 होते हैं ब्रेबेस जालक, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस है कौन सा, अब आपको बताना है कि क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, अभी हमने देखा था अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, तो क्रिस्टलीन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस, NaCl के आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, रबड़ आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, ग्लास आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, या नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई एक ऐसा है जो क्रिस्टलीय ठोस है, उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। ग्लास में तो अभी हमने पढ़ा था ये कैसा होता है आपका अमार्फस या अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, अब बचा क्या, NaCl और रबड़, ठीक है, तो इनमें से आपको एक बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो NaCl, ठीक है, क्या है आपका, NaCl एक प्रकार का क्या है आपका, क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट कह रहा है स्वर्ण संख्या सबसे अधिक होती है, ठीक है, क्या है, स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा किसका होता है, पोटैटो स्टार्च का होता है, या एग का होता है, या गम का होता है, या नन ऑफ दीज का होता है, ठीक है, तो इनमें से गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या सबसे ज्यादा किसकी होती है, ठीक है, उसी को हम रक्षी पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, रक्षी पावर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये होता है आपका पोटैटो में, ठीक है, पोटैटो स्टार्च में स्वर्ण संख्या सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, नंबर 11 कह रहा है लायोफिलिक,
कोलाइड है, ठीक है, क्या है आपका लायोफिलिक कोलाइड, द्रव विरोधी होता है या द्रव स्नेही होता है या बोथ या आल, ठीक है, क्या दोनों या सभी, ठीक है, तो ये कैसा होता है, द्रव विरोधी या द्रव स्नेही, इनमें से आपको बताना है लायोफिलिक, ठीक है, कौन सा है लायोफिलिक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं आपके द्रव स्नेही होते हैं, ठीक है, लायोफिलिक कैसे होंगे आपके द्रव स्नेही, यानी कि द्रव को स्नेह करने वाले, जहां द्रव मिलेगा वहां ये खटाक से पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो कैसे होते हैं द्रव स्नेही, ठीक है, कोलाइड, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है किसकी स्कंदन शक्ति अधिक है, ठीक है, कौन सी कोएगुलेशन पावर्स किसकी ज्यादा है, क्या सोडियम एन प्लस की है या बी प्लस प्लस की है या एल प्लस 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 की है या SN प्लस 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 की है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आवेश बढ़ रहा है, +1 +2 +3 एंड +4, ठीक है, तो इनमें से किसकी जो है कोएगुलेशन संख्या या स्कंदन क्षमता जो है ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, चलिए आंसर कीजिए 12 का, किसकी हो जाएगी, ठीक है, 12, तो जितना ज्यादा जिसपे आयन होगा उसकी कोएगुलेशन संख्या उतनी ही पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी SN प्लस 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 प्लस, ठीक है, 4 टाइम उस पर प्लस का आवेश लगा हुआ है, ठीक है, कह रहा है किसकी कोएगुलेशन पावर सबसे कम होगी, अब इसमें कम बताना है किसकी होगी, Na प्लस की होगी या बी प्लस प्लस एल प्लस प्लस आल, ठीक है, तो कम किसकी होगी जिसपे सबसे ज्यादा कम आवेश होगा, ठीक है, अभी क्या था जिसपे जितना ज्यादा धनात्मक आवेश था उसकी शक्ति ज्यादा थी, ठीक है, स्कंदन शक्ति, अब कह रहा है कम किसकी होगी, तो कम क्या होगी जिसपे सबसे कम आवेश होगा, ठीक है, जिसपे जितना कम धनावेश होगा उसकी जो है कोएगुलेशन पावर उतनी ही कम होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा ए Na प्लस, ठीक है, Na प्लस आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किससे किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनमें से कोई एक ऐसा है जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एच प्लस है या एल आई प्लस है या सी ए प्लस प्लस है या ऑल, ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऐसा है जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, ठीक है, और उस पे भी आपने एक प्लस का चार्ज लगा दिया, जितना प्लस का चार्ज होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है उस पे कम हो जाते हैं, तो एक पहले ही था एक और कम कर दिया है तो इस पे क्या बचा 0, ठीक है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन या नहीं है इलेक्ट्रॉन किसके पास एच प्लस के पास में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 to 7, ठीक है, दोनों यूनिट के क्वेश्चन आपको इसमें एक ही बार में समराइज कर दिए हैं, ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला कह रहा है टेफ्लॉन क्या है, क्या है आपका एक टेफ्लॉन ये क्या है आप बताना है, कह रहा है लीनियर पॉलीमर होता है या क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर होता है या आपका कंडेंसेशन पॉलीमर होता है या आपका नन ऑफ दीज, ठीक है, तो ये क्या है आपका टेफ्लॉन है तो पॉलीमर लेकिन कैसा है, लीनियर है क्रॉस्ड है या कंडेंसेशन है, ठीक है, तो इनमें से किसी एक प्रकार का आपका ये पॉलीमर है कैसा है ये आपको बताना है, ठीक है, तो टेफ्लॉन की अगर हम बात करें तो टेफ्लॉन आपका एक प्रकार का लीनियर होता है, कैसा होता है रेखीय होता है, ठीक है, कैसा होगा आपका रेखीय पॉलीमर होता है, ठीक है, रेखीय। सेकेंड कह रहे टेफ्लॉन का मोनोमर है, क्या है भाई टेफ्लॉन का मोनोमर, यानी कि टेफ्लॉन किससे मिलकर बना है ये आपको बताना है, क्या टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन होता है या आपका विनाइल क्लोराइड होता है या आपका टेट्रा फ्लोरो मेथेन होता है या आपका इथाइलिन होता है, ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऐसा है एकल एकल जिसे हम कहते हैं एकल या मोनोमर, ठीक है, जिससे मिलकर बहुत सारे जिसके अणु मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे पॉलीमर, ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक है जिससे मिलकर आपका टेफ्लॉन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, ये आपका होता है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, ठीक है, क्या होता है आपका टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, मतलब कार्बन डबल वन कार्बन और इन दोनों कार्बन से आपके चार जो है फ्लोरीन ग्रुप जो है फ्लोरीन जो है लगे रहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन TFE, ठीक है, टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टेरिलीन है, ठीक है, क्या है टेरिलीन आपका क्या है टेरिलीन, टेरिलीन है क्या पॉलीअमाइड है या पॉलीएस्टर है या आपका पॉली इथाइलिन है या आपका पॉली प्रोपाइलिन है, ठीक है, तो इनमें से कोई एक जो है ऐसा है जो टेरिलिन को बताता है, क्या है टेरिलिन ये आपको बताना है, ठीक है, 3rd का आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, तो टेरिलिन ये आपके क्या होते हैं एस्टर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं एस्टर, ठीक है, तो पॉलीएस्टर इस क्या हो जाएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा टेरिलिन, क्या है आपका पॉलीएस्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पीबीसी बहुलक है, ठीक है, क्या है आपका
पीबीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या कहते हैं इसको, पॉली विनाइल और क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड है कौन सा, इसको इथाइलिन कहते हैं या विनाइल क्लोराइड कहते हैं या स्टाइरिन कहते हैं या आपका एनओटी, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका पीबीसी के लिए सही हो जाएगा, फोर्थ का, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे विनाइल क्लोराइड होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, किसके लिए, पीबीसी के लिए, ठीक है, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। विनाइल क्लोराइड ही क्या करते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं आपस में, तो क्या हो जाता है आपका पॉली बन जाता है, ठीक है, बहुत सारे अणु मिल जाते हैं, ठीक है, तो एक बहुलक बन जाता है, उसी को कहते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये विनाइल क्लोराइड ही होते हैं। फिफ्थ कह रहा है बैकेलाइट बहुलक है, बैकेलाइट जो आपका एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, क्या है, कह रहा है फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड है, स्टाइरिन एंड ब्यूटाडीन है या इथाइलिन है या आपका एक्राइलोनाइट्राइल है, ठीक है, इनमें से कोई एक जो है क्या है आपका बैकेलाइट है, ठीक है, क्या है आपका बैकेलाइट है, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाले का, ठीक है, ए हो जाएगा, बी, सी या आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए आंसर हो जाएगा क्या, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फिनॉल और आपका फॉर्मेल्डिहाइड जो है क्या है आपकी बैकेलाइट बहुलक है, ठीक है, बैकेलाइट बहुलक, क्या, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, तो आंसर ए आपका जो है सही हो जाएगा, नायलॉन, ठीक है, क्या है आपका नायलॉन सिक्स सिक्स होता है, ठीक है, तो ये नायलॉन जो है आपका सिक्स सिक्स, ये क्या होता है, क्या ये पॉलीअमाइड होता है या पॉलीएस्टर होता है, स्टायरॉन होता है या टेरॉन होता है, तो इनमें से क्या बताना है, जो आपका नायलॉन सिक्स है, सिक्स सिक्स है, वो क्या है ये बताना है, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, सिक्स का क्या हो जाएगा, तो ये आपके अमाइड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अमाइड, तो आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, पॉली अमाइड, ठीक है, नायलॉन सिक्स सिक्स क्या हो जाएगा, पॉली अमाइड है एक प्रकार का, ठीक है, जो कि आपका अमाइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, सिक्स सिक्स, इसमें कितने कार्बन होते हैं, छः छः कार्बन होते हैं, इसलिए इसको सिक्स सिक्स कहते हैं, ठीक है, सिक्स कहते हैं, नायलॉन सिक्सटी सिक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, आंख की शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन आई सर्जरी, ठीक है, शल्य चिकित्सा में कौन सा प्रयोग किया जाता है, किसकी, आंख की शल्य चिकित्सा में, कह रहा है सोडियम साल्ट ऑफ फ्लोरोसिन या आपका यूसिन या आपका फिनोफ्थलिन या आपका कांगोरेड, तो इनमें से कोई एक ऐसा पदार्थ है जो आंख की शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सर्जरी में प्रयोग किया जाता है, वो आपको इसमें से आंसर देना है, ठीक है, ए बी सी और डी का, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन का क्या हो जाएगा, चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा ए, क्या, सोडियम साल्ट ऑफ फ्लोरोसिन्स, ठीक है, फ्लोरोसिन्स का लवण, ठीक है, किसका, सोडियम साल्ट का, सोडियम साल्ट का फ्लोरोसिन्स हो जाएगा, ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ फ्लोरोसिन्स यानी कि फ्लोरोसिन्स का सोडियम लवण, ठीक है, फ्लोरोसिन्स का, सोडियम लवण, ठीक है, क्या हो जाएगा, सोडियम लवण, ये किस में प्रयोग किया जाता है, आपका आंख की सर्जरी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट जो कि आपके एक रिएक्शन दे रखी है, कह रहा है सी टू एच एस एन एच थ्री, सॉरी सी टू एच फाइव है, एस बन गया है, सी टू एच फाइव एन एच टू, ठीक है, एन एच टू, तीर पे लिखा है आपका बी आर टू और स्लैश सी सी एल फोर, ठीक है, तो बी आर टू भी आप ले सकते हो, सी सी एल फोर भी ले सकते हो, ठीक है, ये ऊपर वाली रिएक्शन ही यहाँ पर लिखी हुई है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन, ठीक है, इस अबक्रिया का उत्पाद क्या होगा, तो अबक्रिया क्या है, सी टू एच फाइव एन एच टू, तीर पे लिखा है आपका बी आर टू स्लैश सी सी एल फोर, इनमें से कोई भी आप एक उत्प्रेरक के रूप में ले सकते हो, ठीक है, इनके साथ में क्रिया करा सकते हो, तो प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना है, ठीक है, क्या आपका, कह रहा है ओनली सी टू एच फाइव बी आर बनेगा या आपका सी टू एच फाइव एन बी आर टू बनेगा या सी टू एच फाइव एन एच बी आर बनेगा या नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो इनमें से ऐसा कौन, इनमें से कौन सा आपका बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए रिएक्शन कीजिए, क्या जब ये आपका रिएक्ट करेगा, कौन सा, सी टू एच फाइव
और क्या है आपका एन, और इस नाइट्रोजन से आपके दो हाइड्रोजन लगे हैं, हमने क्या ले लिया बी आर टू ले लिया, क्या ले लिया बी आर और बी आर, ठीक है। तो हमने बी आर टू को ले लिया यहाँ पर इस तरह से, और दोनों के बीच में हमने बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो ये बॉन्ड अगर इधर टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, ठीक है। इस पे क्या आ जाएगा माइनस का, इस पे प्लस का आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक हाइड्रोजन पे प्लस का और इधर क्या आ जाएगा एक माइनस का आ जाएगा। तो एच बी आर, ठीक है, एच बी आर आपका बाहर निकल जाएगा और एक बी आर जाके आपका नाइट्रोजन से लग जाएगा, तो क्या बच जाएगा सी टू एच फाइव और सी टू एच फाइव और आपका एन एच बी आर, कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। बन रहा है सी टू एच फाइव एन एच बी आर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, सी टू एच फाइव और एन एच बी आर जो है आपका, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा निम्न में यूरिया का अनुनादी रूप कौन सा नहीं है, ठीक है। यूरिया का अनुनादी रूप कौन सा नहीं है, ठीक है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है किसका, यूरिया का। सूत्र की अगर हम बात करें तो क्या होता है आपका NH2CO और आपका NH2, ठीक है, यही होता है। तो इनमें से कौन सा अनुनादी संरचना नहीं है यूरिया की, ये आपको बतानी है, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा आपका, क्या आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, CNH2, ठीक है। इसमें क्या है यहाँ पर आपका माइनस का लगा हुआ है और इस वाले नाइट्रोजन पे आपका प्लस का लगा हुआ है, और इसमें इस वाले नाइट्रोजन पे प्लस का लगा हुआ है और इस वाले ऑक्सीजन पे प्लस का लगा हुआ है, क्या ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है केवल इस वाले पे लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है केवल इस वाले पे लगा हुआ है जबकि डबल बॉन्ड है इस पे, तो इनमें से कोई ऐसा है जो नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है उसी को आपको बताना है, ठीक है। ठीक, चलिए बात करते, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिए बी, ठीक है, क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला, ठीक है, ये तो ये क्या है आपका यूरिया का, ठीक है, किसका, यूरिया का अनुनादी संरचना नहीं है, ठीक है। NH2CO NH2 की ये अनुनादी संरचना नहीं है, कौन सी आपकी बी वाली हो जाएगी, ठीक है। NH3 पर आपका प्लस का चार्ज लगा हुआ है और इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका NH हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका क्या है एक गलत अनुनादी संरचना है, ठीक है, किसकी, यूरिया की, ठीक है, NH2CO NH2 का। रिएक्शन दे रखी है आपकी, ठीक है, क्या है C2H5NH2, ठीक है, जो अभी ऊपर दे रखा था, और HNO2, ठीक है, नाइट्रस अम्ल दे रखा है, PCl5 दे रखा है और अमोनिया दे रखी है, ठीक है। तो सी जो यौगिक आपका बनेगा ये क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका एथिलामिन दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, एथिलामिन C2H5NH2 की अभिक्रिया आपको किसके साथ करनी है, नाइट्रस अम्ल के साथ में करनी है, ठीक है, किसके साथ में, नाइट्रस अम्ल के साथ में करनी है। तो क्या बनेगा जब इसकी क्रिया आप नाइट्रस अम्ल के साथ में करोगे तो क्या बनेगा, ये पहले देख लो। चलिए इसकी रिएक्शन C2H5NH2 की रिएक्शन जब आप HNO2 के साथ में करोगे तो आपका क्या बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपका नाइट्रोजन और जल की मात्रा कुछ बाहर हो जाएगी, ठीक है, तो बचेगा क्या, C2H5 और आपका OH, ठीक है, प्लस आपका नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, प्लस आपका H2O जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन में आपका ये बनेगा जब नाइट्रस अम्ल से जब ये अभिक्रिया करेगा, ठीक है, कौन, एथिलामिन, ठीक है, सॉरी दो कार्बन है, मिथाइलामिन, ठीक है, ओ नो नो सॉरी, एथिलामिन सॉरी, दूसरा PCl5, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये दोबारा से PCl5 के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, जब ये PCl5 के साथ में रिएक्शन करेगा, अब रिएक्शन करने वाला है कौन, C2H5OH करेगा, ठीक है, कौन करेगा, PCl5 के साथ में C2H5OH रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, OH रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा और C2H5Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बना लेगा, C2H5 और Cl बना लेगा। अब ये C2H5Cl बना, ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, NH3 के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है, जब NH3 के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये जो Cl है ये आपका इसके साथ में और इसका NH2 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका NH2, और यहाँ से माइनस का HCl जो है आपका बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा कि आपका C2H5
और यहाँ पर आ जाएगा आपका NH2, ठीक है, एथिल एमीन बन गया, क्या बन गया, एथिल एमीन बन गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, एथिल एमीन, ठीक, क्या हो जाएगा, एथिल एमीन बन गया, ठीक है, जो कि आपके जो पहले था फिर से वही बन गया, क्या हो गया, जो आपका पहले था एथिल एमीन फिर से आपका वही बन गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा यौगिक जल में घुलनशील है, तो बताना है भी वाटर सोल्यूबल कौन सा यौगिक जल में घुलनशील है, ठीक है, तो वे सभी यौगिक जल में घुल जाते हैं जो आयनिक होते हैं, ठीक है, कैसे, आयनिक, तो CH3 का होल टॉइज N+H2Cl-, CH3 का CH3N+H3Cl-, CH3 का होल थ्राइज N+HCl-, ऑल ऑफ दीज, तो भी सभी कैसे हैं आपके आयनिक है, ठीक है, सभी कैसे हैं आयनिक है, तो सभी वाटर सोल्यूबल होंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सभी जल में घुलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सबसे अधिक क्षारीय यौगिक है, ठीक है, क्या बताना है आपको, मोस्ट बेसिक बताना है इनमें सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, वो सबसे ज्यादा क्षारीय होता है, ठीक है, कैसा होता है, सबसे ज्यादा आपका क्षारीय होता है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा वो, ठीक, तो इनमें आपको क्या करना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है, फोन आ रहा है, चल, जैसे जैसे आपका आर बढ़ता जाएगा, ठीक है, आर क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ये क्या करता है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या EDG भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जैसे जैसे आपका R का मान बढ़ता जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा क्षारीय हो जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करता है वो क्या कहलाता है आपका, क्षार कहलाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होते हैं आपके, एसिड होते हैं, ठीक है, तो NH3 की बात करें, R NH2, अब यहाँ देखो एक हाइड्रोजन हट रहा है, एक R बढ़ रहा है आपका, R2NH और R3NH, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक आपका कौन सा होगा, R2NH होगा, ठीक है, क्या होगा, R2NH होगा, ठीक है, इसमें एक प्रोटॉन भी आपका और दो R है, ठीक है, तो क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका क्षारीय कौन सा होगा, R2NH वाला हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका RNH2, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा R3N, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका NH3, ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा आपका R2NH, ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है, R2NH, ठीक है, सबसे ज्यादा क्षारीय है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा बहुलक नहीं है, पॉलीमर कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, गिलपेटल नहीं है, या आपका नायलॉन 6 6 नहीं है, डेक्रॉन नहीं है, या पॉलीथीन नहीं है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका एक पॉलीमर या बहुलक नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, तो ये तो सभी आपके पॉलीमर है, ठीक है, लेकिन जो आपका गिलपेटल दे रखा है ये आपका क्या है, पॉलीमर नहीं है या बहुलक नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, कह रहा है पॉलीअमाइड है, ठीक है, पॉली अमाइड कौन सा है ये आपको बताना है, क्या PBS है, पॉलीविनाइल सल्फाइड, या आपका नाइलॉन है, टेरिलीन है, या पॉलीएथीन है, ठीक है, पॉलीथीन है, कौन सा, पॉली अमाइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपको आंसर करना है, ठीक है, तो पॉली अमाइड की अगर हम बात करें तो ये आपके क्या होते हैं, पॉली अमाइड आपके नाइलॉन्स, ठीक है, नाइलॉन्स आपके क्या होते हैं, पॉली अमाइड, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है, क्या है, बी, पॉलीअमाइड है, ठीक है, नाइलॉन, एंथ्राक्विनोन क्या है, 15, एंथ्राक्विनोन रंजक है, ठीक है, एक प्रकार का डाई है, क्या है, क्या एलिजारीन है, या आपका मेलोकाइट है, ग्रीन है, या आपका यूसीन है, या आपका नन ऑफ दीज है, ठीक है, तो इनमें से एक एंथ्राक्विनोन कौन सा रंजक है ये आपको बताना है, ठीक है, तो आंसर आपके सामने दे रखे हैं, चलिए बात करते हैं, तो ये जो एंथ्राक्विनोन होता है ये आपका एक प्रकार का एलिजारीन होता है, ठीक है, क्या होता है, एलिजारीन होता है, ठीक है। 16, PBC का मोनोमर है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या होगा ये आपको बताना है, क्या विनाइल क्लोराइड होता है, या विनाइल साइनाइड होता है, या पायरोल होता है, या NOT होता है, ठीक है, तो पॉलीविनाइल का क्लोराइड क्या होता है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है, जब विनाइल क्लोराइड बहुत सारे मिल जाते हैं तो पॉली का निर्माण करते हैं, उसी को हम कहते हैं पॉलीविनाइल
बहुलक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉली विनाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, मोनोमर हो जाएगा, ठीक है, या एकलक हो जाएगा, ठीक है, किसका, पीबीसी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टेफ्लॉन का एकलक है, ठीक है, टेफ्लॉन जिससे मिलकर बना होता है वो कौन से मॉलिक्यूल है वो बताना है, ठीक है, क्या CH2 CHCl या CF2 डबल बॉन्ड CF2 या CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इनमें से कोई एक ऐसा है जिससे आपका टेफ्लॉन बना होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरो वाला होता है, तो क्या हो जाएगा, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है, टेट्राफ्लोरो एथीन वाला क्या हो जाएगा आपका टेफ्लॉन होकर एकलक हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में मिलते जाएंगे तो बहुलक का फॉर्मेशन कर लेंगे, तभी क्या हो जाएगा आपका टेफ्लॉन बन जाएगा, ठीक है। हेक्सोमेथिलीन डायमीन और एसिड एपिडिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण से प्राप्त होता है, किससे, हेक्सामेथिलीन डायमीन और आपका एडिपिक अम्ल, इन दोनों के संघनन से जो बहुलीकरण प्राप्त होता है वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। नायलॉन 6-6 होता है, नायलॉन 6 होता है, टेरिलीन होता है या वैलेकाइट होता है, ठीक है, वैकेलाइट होता है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, तो इन दोनों से आपका बनता है नायलॉन 6, ठीक है, नायलॉन 6-6 बनेगा, ठीक है, क्या बनता है आपका नायलॉन 6-6, कब, जब हेक्सामेथिलीन डायमीन का एडिपिक अम्ल के साथ में संघनन किया जाता है तो नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन होता है, 6-6 का, कह रहा है नायलॉन 6-6 है, क्या है ये आपका नायलॉन 6-6, युगात्मक बहुलीकरण है या पॉलीअमाइड है या पॉलीएस्टर है या परलॉन एल है, ठीक है, तो क्या है ये आपको बताना है, ठीक है, किस तरह का है आपका नायलॉन 6-6, ठीक है। तो ये अमाइड होते हैं कब, जब बहुत सारे अमाइड जुड़ जाए तब पॉलीमर बनता है, तो उसे कहते हैं पॉली अमाइड, जो कि नायलॉन 6-6 का एक प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नायलॉन 6 एक नायलॉन 6 का एकलक है, नायलॉन 6 का मोनोमर है कौन सा है, स्टायरीन है आपका या वाइनिल क्लोराइड है या एडिपिक अम्ल है या आपका ई पैरा ई कैप्रोलैक्टम है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा आंसर कीजिए। तो कैप्रोलैक्टम, ठीक है, क्या है आपका कैप्रोलैक्टम, क्या है, मोनोमर है, किसका है आपका नायलॉन 6 का, ठीक है, नायलॉन 6 का मोनोमर क्या हो जाएगा आपका कैप्रोलैक्टम, ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बैकेलाइट है, ठीक है, क्या है आपका बैकेलाइट, बैकेलाइट है थर्मोसेटिंग बहुलक है या थर्मोप्लास्टिक बहुलक है या आपका टेरिथैलिक अम्ल का बहुलक है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बैकेलाइट की बात करें तो बैकेलाइट आपका किस तरह का एक बहुलक है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बैकेलाइट, बैकेलाइट थर्मोसेटिंग होता है, क्या होता है, थर्मोसेटिंग होता है या आपका थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है, इनमें से ही आपका कोई एक है, ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा थर्मोसेटिंग बहुलक, ठीक है, बैकेलाइट आपका थर्मोसेटिंग बहुलक का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में कौन सा थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, कैसा थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, क्या बैकेलाइट है या नायलॉन है, टेरिलीन है या पॉलीथीन है, ठीक है, तो कोई एक बैकेलाइट का सॉरी थर्मोप्लास्टिक का बहुलक है कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक क्या है आपका पॉलीथीन है, क्या है आपका पॉलीथीन है, ठीक है, क्या है पॉलीथीन आपका थर्मोप्लास्टिक का बहुलक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में कौन सा संघनन पॉलीमर है, नायलॉन 6-6 है या आपका वूना एस है या आपका पॉलीथीन है या आपका नन है, ठीक है, कोई सा नहीं, तो इनमें से कोई एक ऐसा है जो आपका संघनन पॉलीमर है कौन सा है, नायलॉन 6-6 या आपका वूना एस, ठीक है, या पॉलीथीन, तो नायलॉन 6-6 आपका क्या हो जाता है ये आपका एक प्रकार का संघनन पॉलीमर है, कौन सा, नायलॉन 6-6 की बात करें, ठीक है। अब कह रहा है पीबीसी क्या है, व्हाट इज पीबीसी, ठीक है, तो ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है या नेचुरल पॉलीमर होता है या आपका बोथ होता है या नन, तो बताइए क्या आपका ये सिंथेटिक होता है या नेचुरल होता है या आपका जो है दोनों तरह का होता है, ठीक है, तो ये आपका अगर हम बात करें पीबीसी की तो ये आपका सिंथेटिक होता है, कैसा होता है सिंथेटिक, ठीक है, मानव निर्मित,
है, जिन्हें हम सिंथेटिक कहते हैं, जो लैब में प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक, इस तरह से यूनिट आपका 8 आ जाएगा, जिसमें आपके कुछ दे रखे हैं उनको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैलेकाइट ग्रीन आपका है। ठीक है, मैलेकाइट ग्रीन आपका क्या है, तो ये एजो डाई है, ये आपका वेट डाई है, ये आपका ट्राइफोनल मैथिन डाई है, ये आपका ऑल है। ठीक है, इनमें से कोई क्या है आपका, एक मैलेकाइट ग्रीन है। ठीक है, जो कि ये आपका एक तरह का डाई है कौन सा ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपने बताना है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका सी। ठीक है, इसे कहते हैं ट्राइफोनल मैथिलीन डाई। ठीक है, क्या होता है ये, ट्राइफोनल मैथिलीन डाई। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। सेकंड कह रहा, निम्न में कौन क्रोमोफोर है। ठीक है, क्या है आपका क्रोमोफोर, इनमें से कौन सा है, क्या एन डबल बॉन्ड ओ होता है, या NH2 होता है, या OH होता है, या आपका NR होता है, कोई एक आपका इसमें से क्रोमोफोर है। ठीक है, तो हमने इनको लॉन्ग आंसर टाइप में पढ़ा था। ठीक है, जो आपका सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ओ था। ठीक है, क्या था, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ओ, इनको हम कह रहे थे क्रोमोफोर। ठीक है, क्या थे ये आपके, क्रोमोफोर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्न में ऑक्सोक्रोम कौन सा है। ठीक है, इनमें से आपका ऑक्सोक्रोम कौन सा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड NO2 हो जाएगा, या डबल सी डबल बॉन्ड ओ NH2, या एन डबल बॉन्ड एन, क्या है आपका, कोई एक एक्सोक्रोम है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, तो NH2। ठीक है, क्या होता है आपका, सिंगल बॉन्ड NH2, इसको कहते हैं हम ऑक्सोक्रोम। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सोक्रोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है, निम्नलिखित में से क्रोमेजन, ठीक है, निम्नलिखित में से क्रोमेजन कौन सा है। ठीक है, इनमें से अब आपका बताना है कि क्रोमेजन कौन सा है, सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड NH4, या C6H5 एन डबल बॉन्ड एन C6H5, या सिंगल बॉन्ड एच। ठीक है, तो इनमें से एक आपका क्या है, क्रोमेजन है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, C6H5 एन डबल बॉन्ड एन C6H5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रोमेजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है, कह रहा है निम्न में कौन एजो रंजक है। ठीक है, तो एजो रंजक एक प्रकार का डाई है, लेकिन कौन सा आपका डाई है ये बताना है। क्या मैलेकाइट ग्रीन है, या आपका फिनोफ्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है, या आपका एलिजेरिन है। ठीक है, तो इनमें से आपका कोई ये जो है एजो रंजक है कौन सा है, ये आपको नाम बताना है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ वाले का। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, तो ये जो आपका एजो रंजक होता है ये मैथिल ऑरेंज होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, मैथिल ऑरेंज। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, मैथिल ऑरेंज एक एजो रंजक है, ठीक है, या एजो डाई है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में कौन सा ट्राइफेनिक मैथिल रंजक है, ट्राइफेनिल मैथेन रंजक है। ठीक है, तो ये बताना है ट्राइफेनिल मैथिल रंजक क्या हो जाएगा, कांगो रेड है, या आपका पैरा रोसेनिनॉल है, या आपका पैरा एमिनो एजोबेंजिन है, या निम्न में से कोई नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका सिक्स का आंसर कीजिए, तो पैरा पैरा रिसोसिनॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा, पैरा रोसेनिलीन। ठीक है, पैरा रोसेनिलीन, तो पैरा रोसेनिलीन आपका क्या हो जाएगा, ये ट्राइफेनिल मैथेन रंजक है। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है, जो कि आपका इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मैलेकाइट ग्रीन है। ठीक है, तो मैलेकाइट ग्रीन आपका क्या है, ये अम्लीय रंजक है, या आपका क्षारीय रंजक है, या आपका प्रत्यक्ष रंजक है, या आपका अंतर्जनित रंजक है। ठीक है, प्रत्यक्ष, ठीक है, डायरेक्ट सीधे इससे रंगा जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इनमें से, आप आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन का। ठीक है, तो मैलेकाइट ग्रीन जो होता है वो आपका एक तरह का डायरेक्ट रंजक होता है, या डायरेक्ट डाई, जिसे हम प्रत्यक्ष रंजक कहते हैं। ठीक है, तो इस सीधे इससे हम किसी भी चीज को सीधे कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक प्रत्यक्ष डाई है, कौन सा आपका, मैलेकाइट। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पार्ट, जिसमें हमने यूनिट नंबर फिफ्थ से यूनिट एट तक जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे सभी को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आए होंगे, पढ़ लीजिए उनको एक दो बार, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम
सभी जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप और भी हम लेकर आएंगे जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में, ठीक है, तीनों में हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, जो कि आपको सभी देखना है, ठीक है, एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू।